हेलो खमा गनी टू और वेलकम बैक टू आई न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सबका इस नए ब्लॉग में। तो मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम से, और अभी मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हम जा रहे थे अमरराय मंदिर। तो बने रही मेरे ब्लॉग में इस कंटिन्यू, और अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं स्वरूप से कुछ बातें कर रही थी और शूट किया, तो पीछे से आवाज़ आ रही थी तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर दी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें थी जो स्वरूप के लिए वो डाल रही थी यहाँ पे पर्स में, क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसके लिए डायपर है और छोटी मोटी जो भी चीज़ें वो डाल की फिर साथ में, ताकि उसमें प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे स्वरूप मम्मी के पास बैठी, और यहाँ पे मैं और स्वरूप कर रहे थे मस्ती, और मम्मी ने यहाँ पे मेरे और स्वरूप की रील बना दी, यहाँ पे मेरे साथ खेल रही अच्छे से। शाम का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और इसको बहुत अच्छा लगता है घूमना ऐसे। अब पहले इतना समझ नहीं आता था, पर अब धीरे धीरे इसको समझ आ गया कि हाँ मैं घर से बाहर आई हूँ, कहीं घूमने लेके जा रहे ऐसे करके, और मेरे साथ खेल रही। जस्ट अब हम निकल गए ये पेट्रोल डलवा के यहाँ से। तो बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं मंदिर। आरती का टाइम भी हो गया था, पापा मेरे को डांट रहे थे कि लेट कर दिया, हम पहुंचेंगे जब तक आरती हो जाएगी, पर देखते हैं अब पहुंचते हैं फिर लेट होते हैं कि अब कोई बात नहीं, पर दर्शन तो करके आएंगे ये सबसे बड़ी बात है। और हमारा सौभाग्य है जो आज माता जी के दर्शन करने हम वापस एक बार से जा रहे हैं। और यहाँ पर स्वरूप है जो पापा के पास बैठी है, यहाँ पर कभी पीछे आती कभी आगे जाती है, और पापा ने बोला था मेरे को दे दिया आगे, तो पापा के पास बैठी हूँ। यहाँ से आप कितना सुंदर देख सकती हो व्यू है यहाँ का। यहाँ से मेरा गांव पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अपना गांव तो सबको अच्छा ही लगता है। वहाँ के मतलब पास पास के जितने भी गाँव होते हैं वो अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एकदम ग्रीनरी, खेत वेत सब दिख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ थोड़ी सी क्लिप शूट कर लूँ रास्ते की। और हम पहुँच गए थे, जिन लोगों ने मेरे पहले वाले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो उसमें जाके ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत जितना मेरे को नॉलेज था तो उतना मैंने ये मंदिर के बारे में बताया है, तो मेरा वीडियो एक बार देख लेना पहले वाला, तो उसमें जो भी है वो पता चल जाएगा कि मंदिर का निर्माण कब हुआ था और मंदिर यहाँ पर क्यों स्थित है ऐसे करके। और यहाँ पर आप देख सकते हो मौसम बहुत सुंदर लग रहा था, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, मन को एक सुकून सा मिल गया था मंदिर
को देखी और यहाँ का गांव का नज़ारा देखी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये है माता जी के मंदिर के नीचे का तालाब और बस जस्ट हम मंदिर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से मेरा गांव भी सामने ही दिख रहा था। और आप सोचो कि बार बार अपने गांव के बारे में बोल रही है, सबको अपना गांव अच्छा लगता है, मुझे भी मेरा गांव अच्छा लगता है। और ये मैंने यहाँ से सूट कर लिया था थोड़ा सा, मैं बैठी स्वरूप को मम्मी को दे दिया था और फिर मैं बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रास्ते का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँ वीडियो। तो यहाँ से मैंने सारा सूट किया था मंदिर तक पहुँची जब तक का। और अभी बजे थे 6:30, अब पता नहीं मंदिर में आती हो गई होगी या फिर अब होगी, अब जाके पता चलेगा। और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, बहुत सारा आप देख सकते। और हम पहुंच गए हैं मंदिर, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी तक आरती नहीं हुई है, आरती की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सरूप को सारे फ्रेंड्स मिल गए हैं, वो सरूप के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पे मेरे काकी सा हैं, उनसे मैं बातें कर रही हूँ। यहाँ पे मिली तक बोल रहे हैं कब आए भाई सा ऐसे करके। और यहाँ पे अब आरती शुरू हो गई, जस्ट हम पहुँचे और आरती का टाइम हो रखा था तो हम टाइम पर ही पहुँचे। पर कोई बात नहीं, जब माता जी का हुक्म होता है तभी सारी चीज़ें होती हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू और आप भी माता जी के दर्शन करिए। Thank you.
और मैंने आरती के दर्शन मेरे जीजा और फौजी साहब को भी वीडियो कॉल करके उनको भी दर्शन करवाए। और फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो स्वरूप रो रही थी, तो मम्मी ने बोला एक साइड लेके जा उसको, तो यहाँ पे मैं आ गई थी साइड में और उसकी थोड़ी देर घूम रही थी उसको लेकर, क्योंकि गर्मी के कारण मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गई थी और रो रही थी। तो यहाँ पे मेरे को मेरे सब्सक्राइबर बोलो या फिर मेरे फ्रेंड्स ने फ्रेंड बोलो कुछ भी, तो उन्होंने मेरा वीडियो शूट कर लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ दर्शन करने, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा रश था कि मतलब लेडीज़ और जेंट्स को अलाउड नहीं था अंदर जाना। तो आरती होने के बाद सब मैं पापा ने बोला था हम आराम से चलेंगे तो आराम से दर्शन कर लेना, तो सब लोगों ने जब दर्शन किए, कुछ लोग बचे थे तब मैं भी आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि अब धीरे धीरे इस दो चार थोड़े थोड़े लोगों को अंदर जा रहे थे, जैसे दो चार लेडीज़ को, और स्वरूप को मैंने ऊपर से पापा को दे दिया था, क्योंकि जो बाहर से जो गैलरी लगी उसके ऊपर से, क्योंकि मेरे काकोसा हैं वे यहाँ पे पुजारी हैं, पूजा करते हैं, और तेमराय ममता जी हैं जो हमारे कुलदेवी हैं, तो पूजा मैं पंडित जी के हिसाब से या फिर जैसे भी मानो, तो हमारे वंश के ही जो कोई ना कोई एक जना होता है उनके साथ, और एक दो पंडित जी भी साथ में थे। और यहाँ पे मैं स्वरूप को यहाँ पे धूप दिलवाने लेके आई थी अंदर, पहले भीड़ थी उसके कारण, फिर मैं बाहर वेट कर रही थी, उसके बाद मैं आई और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब जस्ट मैंने इसको धूप दिलवाया पीछे से बस उठो भाई साहब अपने आगे बढ़ो ऐसे करके, फिर मैंने ऐसे तिलक लिया उनसे, और यहाँ पे मैं तिलक लिखी और स्वरूप को मैं वापस पापा को दे दूँगी, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिए मेरे पास में कंटिन्यू। यहाँ पे आप जो इतना सारा रश देख रहे हो ये आरती होने के बाद का है, और पहले तो आरती थी तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, उसके बाद सारे लोग दर्शन करके निकल गए थे, उसके बाद फिर से इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी आप देख सकते हो। मैंने तो दर्शन कर ली थी अच्छे से और फिर मैं बाहर आ गई थी यहाँ पे आरती लेने, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब यहाँ पे स्वरूप भी रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे फटाफट से आरती लिखी, और साथ में मेरा वीडियो का भी होता है, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा कोई नहीं होता है जो मेरा वीडियो शूट करे, मुझे अनकम्फर्टेबल भी लगता है, मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, जस्ट मेरे पापा साथ में होते, चलो मैं कभी कभार बोल देती हूँ उनको, मेरे को सारा माते मैं नहीं बोलती हूँ किसी को भी, और या फिर मेरे को लगता है कि हाँ मेरी क्लोज है कोई तो उनको बोलती हूँ। बाकी मैं जितने भी वीडियो शूट करती हूँ मैं अपने आप ही करती हूँ मेरी रिकॉर्ड। और यहाँ पे हम जा रहे हैं वापस घर, तो यहाँ पे थोड़ी देर तो हम बाहर रुकेंगे, उसके बाद देखो पापा को पापा क्या बोलते हैं कि अब चलते हैं क्या है। और यहाँ ये मंदिर का बाहर से भी आप देख सकते हो, और हम निकल गए थे वापस घर के लिए, अच्छे से दर्शन भी हो गए थे और थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठ के रेस्ट भी किया, और जो भी भोग बना था हम लेके गए थे वो सबको बांटा, और हमने भी थोड़ा बहुत प्रसाद लिया, और पापा ने आराम से अच्छे से बातें की, मेरे गांव के लोग भी थे, आस पड़ोस के भी गाँव हैं उनके लोग थे, और स्वरूप तो आज पहली बार आई थी, पर माता जी से प्रार्थना है कि सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, खुश रहे सब। और अगली बार जो है हम मैं और फौजी साहब स्वरूप साथ में आएंगे, माता जी का हुक्म होगा तो। और अब निकल गए थे रात भी
और हम पहुंच गए हैं घर पे, और सौरभ को जस्ट मैंने पे बिठाया है, वो इसको पता चल गया हम घर पे आए, तो ये से खुश हो रही है। बच्चे होते ही ऐसे, कभी इनको बाहर ले जाओ तब खुश हो जाते हैं, और कभी ये बाहर से अंदर आते हैं घर तो खुश हो जाते हैं। तो बस अब मैं इसे थोड़ी देर रेस्ट करवा के दूध पिला के, और फिर इसके बाद नहलाऊंगी अच्छे से मालिश करके, और फ्रेशनअप होके सो जाएगी।